आप देख रहे हैं जी एम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल के धाक रहे से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरी हो ऑफिस से होंगे और यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं आज की वीडियो की जगह। आज की वीडियो है प्रशांत धवन सर की वीडियो है। मेरे ख्याल में ये वीडियो यूक्रेन के मामले पर है। सबसे पहले देखते हैं वीडियो और फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ यूएस ने यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में अब तक का सबसे बड़ा स्टेप उठाया है। यूएस अब शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स लॉन्च करने वाला हिमार्स सिस्टम भेजेगा टू यूक्रेन आर्मी, और यूक्रेन इससे ऑब्वियसली रशिया के जो सोल्जर्स हैं इनको मारेगा। और ये मैं आपको बता दूँ, रशिया के लिए एक बहुत ही ज़रा ख़राब न्यूज़ है। ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, फॉरन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर हार चुका है। और यहाँ पर आप कहेंगे कौन सा एक्सपर्ट ने कह दिया, वॉर तो चल रही है अभी, देखा जाएगा अभी, चाहे वॉर लंबी चले 6 महीने लंबी चले, मगर रशिया हार चुका है ये किसने कहा है? तो देखो, भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि रशिया हैज लॉस्ट द यूक्रेन वॉर। और चाइना भी अब रियलाइज कर रहा है कि इन्होंने रॉन्ग बैट ले ली। ये जो प्लान बना के बैठे हुए थे कि रशिया के साथ मिलकर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, ये प्लान अभी के लिए बुरी तरीके से फेल कर चुका है। और मैं आपको ये बता दूं, हमारे देश के जो पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी हैं, आप समझ सकते हैं इनको फॉरेन अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में कितनी जानकारी होगी। और अगर ये खुद कह रहे हैं कि रशिया हैज़ लॉस्ट द यूक्रेन वॉर, तो डेफिनेटली रशिया का जो कैंपेन है यूक्रेन में ये सही ढंग से तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। और अब जो एडवांस रॉकेट्स भेजेगा यूएस यूक्रेन को, इससे आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है कि जो दोनबास का रीजन कब्जा चुका है रशिया, ये भी रशिया को होल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूएस ने रिसेंटली किया क्या है और इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होगा रशिया यूक्रेन वॉर में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ये रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया था किस तारीख को? यह है यहां पे आपकी ऑप्शन 28 मई, 30 मई, 31 मई या फिर 29 मई को। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि रशिया किस तरीके से अब धीरे धीरे यूक्रेन की टेरिटरी को कब्जाने की कोशिश कर रहा है आर्टिलरी के जरिए। आर्टिलरी गन्स के बारे में आपने 85 बार सुना होगा, चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर जो गल्फ वॉर हो रही है। दुनिया भर की वॉर्स में पिछले 50 साल में आर्टिलरी गन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो रशिया के सैनिक भी यही कर रहे हैं, आर्टिलरी गन मंगाई, बॉम्बार्डमेंट करी, जो यूक्रेन की आर्मी है उनको पीछे धकेला, फिर एरिया कब्जा लिया। ऐसे कर करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर धीरे धीरे ये लोग एडवांस कर रहे हैं। इट इज़ स्लो, मगर अभी भी कुछ इलाके हैं वहाँ पर रशियन मिलिट्री आगे बढ़ रही है। नाउ इसको काउंटर करने के लिए यूएस ने डिसाइड किया कि ये लोग हिमार्स भेजेंगे यूक्रेन आर्मी के पास। अब हिमार्स क्या है? हिमार्स एक रॉकेट लॉन्चर है, अपने आप में मोबाइल रॉकेट लॉन्चर है, मतलब कि आराम से इसको आप मूव कर सकते हैं। और इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। तो रशिया की कोई भी जो आर्टिलरी है इसकी रेंज आपको 80 किलोमीटर नहीं मिलेगी, एटलीस्ट जो यूक्रेन में ये लोग यूज़ कर रहे हैं उनकी रेंज 80 किलोमीटर है नहीं। तो आप कह लीजिए ज़्यादा रेंज वाले रॉकेट लॉन्चर अब यूक्रेन आर्मी के पास आ जाएंगे, ये लोग रशिया की आर्टिलरी को आराम से अटैक करके पीछे हट सकते हैं, इससे रशियन मिलिट्री आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये प्लान है यूएसए का। और आप अगर टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ ठीक है, रॉकेट लॉन्चर 80 किलोमीटर के रेंज के, और नाम भी है इस सिस्टम का हिमार्स, मतलब के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। तो मतलब के रॉकेट आपने लॉन्च कर दिया, उसके बाद आराम से ट्रक में बैठ के सोल्जर्स मूव कर सकते हैं, और वापस फिर से अगर रीडिप्लॉय करना है सिस्टम को तो बस सोल्जर्स को बाहर निकलना है, एक्टिवेट करना है सिस्टम को, और फिर से ये रॉकेट बरसा पाएंगे। और रशियंस को बहुत दिक्कत आएगी लोकेट करने में कि हिमार्स से अटैक इन पर किस लोकेशन से हो रहा है। और जो यूएस और यूक्रेन करने वाले हैं रशिया के साथ, इंटरेस्टिंग बात देखिए, इंडिया ने भी किया था पाकिस्तान के साथ कारगिल वॉर में। जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें आपको बता होगा हमने पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का यूज किया था। जी हाँ, जो ये हिमार्स है ये भी एक रॉकेट लॉन्चर है, ऑलमोस्ट सेम टाइप का रॉकेट लॉन्चर इंडिया के पास भी है, इसका नाम है पिनाका। और बिल्कुल 1999 में इसको कारगिल वॉर में हमने यूज किया था। ये अकेली वॉर है जिसमें हमने पिनाका को प्रॉपरली यूज किया, और पाकिस्तान को इससे हैवी लॉसेज हुए थे। पाकिस्तान को सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि बेसिकली पिनाका से अटैक हो कहां से रहा है, क्योंकि एक तो लॉन्ग रेंज अटैक थे, उसके अलावा बिल्कुल प्रिसाइज थे। फिर दूसरी बात यह है कि जब इनको पता लगता था कि अच्छा ठीक है पिनाका से यहां से अटैक हो रहा है, तब तक पिनाका मिसाइल की जो ये कॉन्वॉय है, जो ये ट्रक है, ये मूव कर जाती थी और फिर किसी और लोकेशन से अटैक स्टार्ट हो जाते थे। तो बहुत अच्छा टैक्टिकल मूव है बाय यूएस, मगर मैं कहूंगा एक जगह बाइडेन ने गलती कर दी, और उस वजह से
कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वॉर आगे खींच सकती है और रशिया एक टाइम पर मजबूरी में आकर कुछ बड़ा भी कर देगा, क्योंकि हिमार्स में आप देखो दो टाइप के रॉकेट लॉन्च कर सकते हो। एक तो है यहाँ पर 6 गाइडेड मिसाइल, छोटे गाइडेड मिसाइल होते हैं ये, इनकी रेंज आपको मैंने बता दी 80 किलोमीटर के आसपास। फिर यहाँ पे आप एक बड़ा मिसाइल भी यूज कर सकते हो जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक के आसपास है। नाउ इनिशियली मुझे याद है जो बाइडेन ने ये कहा था कि जो ये 300 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल है ना, ये हम यूक्रेन को नहीं देंगे, क्योंकि यूक्रेन इससे हो सकता है कि कल को रशिया की जो धरती है इस पे अटैक कर सकता है। बाइडेन ने यह बात कैटेगोरिकली बोली थी कि वी विल नॉट सप्लाई यूक्रेन विद लॉन्ग रेंज रॉकेट दैट कैन हिट रशिया। अब ये स्टेटमेंट दी बाइडेन ने, 24 घंटों बाद यू टर्न मार लिया, कंप्लीट यू टर्न, और कहा कि जो ये 300 किलोमीटर की रेंज वाला रॉकेट है ये भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को। तो अब देखो क्वेश्चन है यूक्रेन पर कि क्या ये लोग ये 300 किलोमीटर के रॉकेट्स क्या यूज करेंगे रशिया की धरती पर, और अगर इन्होंने यूज कर लिए तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं रशिया सोचेगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। एंड ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जैसे ही यूएस ने अनाउंसमेंट करी कि ये लोग हिमार्स भेजेंगे यूक्रेन को, लॉन्ग रेंज वेपन्स यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, रशिया की धरती को यूक्रेन हिट कर सकता है, रशिया ने न्यूक्लियर फोर्सेस ड्रिल फिर से करनी स्टार्ट कर दी है, तो इसका मतलब यह है कि रशिया अब एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि 100% रशिया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा, मगर रशिया को धकेला जा रहा है वहां पे, एंड मेरी जियोपॉलिटिकल समझ जेन्युइनली कह रही है कि रशिया कुछ बड़ा करेगा, या तो रशिया कुछ बड़ा करेगा या फिर एक बार को कहेगा कि चलो ठीक है बस वॉर यहीं पे हम रोक देंगे, आगे वॉर बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि जिस टाइप के वेपन्स अब यूएस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, यूक्रेन अब ना सिर्फ डिफेंस करेगा, अब ये ऑफेंस भी करना स्टार्ट कर देंगे, दे विल स्टार्ट अटैकिंग रशियन फेडरेशन। तो आप अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल बाइडेन ने एक बहुत ही बड़ा डेथ ब्लो मारा है रशियन आर्मी को और रशिया को इससे काफी नुकसान होगा, मगर मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस मूव से लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड पीस को काफी नुकसान होगा और रशिया एक लेवल पे आके इसका एक बड़ा जवाब देगा। मैंने रेगुलरली रशिया के जो लोग हैं उनका जो सोशल मीडिया है उसको मॉनिटर किया है, देखा है वहां पे लोग क्या बात कर रहे हैं। रशियंस में अब एक टाइम पे आके ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है यूक्रेन वॉर को देखकर, जो इनकी एम्बैरेसमेंट हुई है इंटरनेशनल स्टेज पर ये सब देखकर, रशियंस अब वापस अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। और जहां तक मैं इनकी देखता हूँ, इनकी कमेंट्स, इनकी बातचीत, जो इनका मीडिया के लोग कह रहे हैं, ये लोग कुछ अगली करने को भी तैयार हो जाएंगे अपनी रिस्पेक्ट वापस पाने के लिए। और जिस रिस्पेक्ट की ये लोग बात कर रहे हैं ये कोई अच्छे काम करने वाली रिस्पेक्ट नहीं होगी, ये लोग बस चाहते हैं कि दुनिया इनसे डरे, एक रशिया का जो एक रॉब है इनको वापस मिल जाएगा, रशियन फेडरेशन, रूथलेस मिलिट्री। तो ये वापस एक्वायर करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, रशिया कुछ बड़ा करे इन द नियर फ्यूचर। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स ये ऑब्जर्व किया गया था किस तारीख को, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी 29 मई को। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू हेलमेट्स कहा जाता है यूएन पीस कीपर्स को और यूनाइटेड नेशंस खुद इनका इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट करता है एवरी सिंगल ईयर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT JEE नीट बैंक SSC UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज, सिंपली जाओ कॉमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अन अकेडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी वीडियो तो खत्म हो चुकी है, ये भी यूक्रेन के ऊपर ही और रशिया के ऊपर वीडियो है, अमेरिका जो कुछ देने जा रहा है रशिया को, सॉरी यूक्रेन को, तो मेरा तो ये मानना है कि भाई ये अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए। साहब के बातें हैं ना वो बहुत खतरनाक हैं कि बातें बाजार जैसे अमेरिका ने जो बाइडेन ने स्टेप लिए है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड वॉर हो सकती है तीसरी। गुलजार जो रशिया के पास है ना, रशिया के पास वो अमेरिका के पास भी नहीं है, जिस तरह के हथियार, जिस तरह के जो कुछ खतरनाक स्टेप होंगे ना, अमेरिका कर रहा है, अब वो बात कर रहे हैं वो करेंगे तो रशिया भी नहीं छोड़ेगा, वो न्यूक्लियर पावर पर जा रहा है,
वो ड्रिल्स कर रहे हैं, मतलब मशकें कर रहे हैं। ये याद रख लेना, रशिया यूक्रेन को कभी भी नहीं किसी को कब्जा नहीं देगा, ये रशिया का हिस्सा है, रशिया का ही रहेगा, कोई इधर किसी की जरूरत नहीं, वो आ जाएगा, नहीं आने देंगे। इससे अमेरिका और उनको यूरोप को पीछे हटना पड़ेगा, रशिया नहीं हटेगा। अमेरिका ने जो कदम उठाया है ना, ये बहुत खतरनाक है। अमेरिका तो शैतान है पहले दिन से, वो तो किसी कंट्री को हमारे साथ रहने नहीं देता। असल में ये रशिया को तबाह करना चाहता है। हाँ जी, ना 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 ना, असल वो चाहता है पूरे एशिया में कोई ऐसी कंट्री ना हो जो उठ के खड़ी हो जाए, मेरे सामने खड़ी हो। हाँ, जिस तरह चाइना है, जिस तरह इंडिया है, जिस तरह जापान है, जिस तरह रशिया है, वो किसी को भी नहीं चाहता कि मेरी बराबरी। और ये ऐसे मैं इनको कहता हूँ, ये जो एशियन लोग ना, पता नहीं इनकी अकलों पर क्या पर्दे हैं पड़ा हुआ है, कि ये नहीं सोचते कि वो देखे कि अमेरिका सारा वो दो बराजम में बैठा, दो वो इकट्ठा है, वो पूरा यूरोप जो देखे उनका एक स्टांस होता है, जितनी भी कंट्री एशिया क्यों नहीं एक साथ, और एशिया देख ले, और एशिया में सबसे ज्यादा हर चीज है, कुदरत की दी हुई हर खजाना, फोर्स, सुपर पावर, चाइना, सुपर पावर, सब ज्यादा एशिया में, ये इकट्ठे क्यों ना एशिया में, जो कम एशिया में है, बस की पाकिस्तान दुबई एशिया में, सब ज्यादा तेल एशिया में है, हर चीज एशिया में, तेल एशिया में, डीजल एशिया में, खजाने कुदरत की एशिया में, खाने पीने की एशिया में, अमेरिका हर जगह चौधरी बना हुआ है। यार हकीकत करें, हकीकत बात यह है कि अगर इनका आपस में इतफाक हो जाए, एशियन कंट्रीज है, अल्लाह करे ऐसा हो, मैं तो ये कहता हूँ कि ये इत्तेफाक जिससे यूरोप सर इकट्ठा है, अमेरिका सर इकट्ठा है, मैं तो कहता हूँ बायकॉट करना चाहिए चाइना को, या रशिया को बनाना चाहिए। अगर ये एशियन कंट्रीज इकट्ठी हो जाए ना, ये एक अपनी नई करेंसी ले आए, या एक नया सेटअप ले आए, तो यकीन करो ये अमेरिका क्या, अमेरिका का बाप भी इनको नहीं रोक सकता, अमेरिका के चीखे खत्म हो जाएगा। सार भाई, उन्होंने पहले दिन से ये ऐसा चूर्ण दिया हुआ है कि ये एशिया इकट्ठा हमने होने ही नहीं देना, उनको भी पता है अगर ये इकट्ठे हो गए, अगर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और हमें इंडिया मिल जाए ना, मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे हो जाए ना, मिल जाए, तो हम किसी को कोई मैं क्या बोलूं, अब कुछ कम किसी को कुछ नहीं समझते भाई। ये दोनों ममालिक चाइना और रशिया का साथ दे, मैं यही बात करना चाहता हूँ कि अमेरिका की चीखें निकल जाए और अमेरिका खत्म हो जाए, अमेरिका की पावर यार चीजें सारी इधर से जाती है, एक बयानिया इमरान खान का पूरी दुनिया में चल रहा है, एक बंदे की आवाज से यकीन माने पूरी दुनिया में अमेरिका के ऊपर थू थू हो रही है। और ये जो स्टेप लिया ना बाइडेन से गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में बहुत भयानक लिया है, और जो उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में सुन चुका, ये तो एक दो दिन पहले की वीडियो में, कल की वीडियो सुनी है, रशिया ने ये रिस्पांस दिया है कि जो अमेरिका ने स्टेप लिया, ये अमेरिका के लिए अच्छा, और पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने ये बकायदा ऐलान किया, पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने कहा कि ये खतरनाक है, पाकिस्तान को इसका सिला भुगत रहा है, और ये मजबूर हो जाएगा, जो गरीब ममालिक है वो पिस जाएंगे। ये देख ले कि रशिया फेडरेशन के, मैंने एक बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा जो प्यूटन है ना, प्यूटन साहब, उन्होंने कहा था कि जब रशिया नहीं रहेगा तो हमें इस दुनिया का क्या फायदा, ये उन्होंने इस हद तक उन्होंने बयान अच्छा। दे चुके हैं। हाँ भाई, उन्होंने कहा अगर रशिया नहीं है जाने के लिए तैयार है, उस हद तक उनके दिमाग में चल रहा है, उसने कहा कि अगर रशिया नहीं रहेगा, मुल्क को तबाह होगा, अगर रशिया नहीं होगा तो हमें दुनिया की क्या, दुनिया को तबाह करेगा वो, अमेरिका को इतने में तबाह कर देगा, इतने इतना चाहे। यार उनका जो मिसाइल आपने टेस्ट किया पिछले दिनों, उसका मैं सुपर वापस सुपर सोने का, उसकी रफ्तार 9 Mach, मतलब कि 9 गुना आवाज की स्पीड से 9 गुना ज्यादा, और किसी सिस्टम रडार में आते हैं। एक बात बताऊं, वो जो है ना शुमाली कोरिया का, वो जो है ना किंडोन, जिनके ऊपर वो लगी हुई पाबंदी लगी हुई है, वो बंदा उसने इस ऐसा मिसाइल तैयार किया, पूरी दुनिया में ऐसा पावर का कोई नहीं, जो उसने मतलब जिस तरह मारे हैं वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो गए ना, उसने खुले में कहा, बयान दिया कि मैं यूक्रेन रशिया के साथ हूँ, वो दुश्मन था अमेरिका का, अमेरिका उसके रशिया का दोस्त है, अब अमेरिका भी उसको, मैं एक चीज से रहा हूं, वो छोटा सा मुल्क है, फौज को जहाँ बिठाए वो ऑर्डर करे उसको मानना पड़ता है भाई। असल उधर है मेरे ख्याल में प्रेसिडेंशियल रूल्स है, जो उनका जो जिस तरह हमारे सऊदी अरब में जो वो बादशाह कहेगा वही लागू होगा। खैर वो बात लग के, ये जो उन्होंने स्टेप लिया बाइडेन गवर्नमेंट ने,
ये बिल्कुल मेरे ख्याल में बहुत गलत लिया है खौफनाक और ये नहीं ले हाँ ये स्टेप लेना चाहिए था अगर हो सकता तो उनको आपस में टेबल टॉक करवाता सालसी का काम करता आप दोनों बैठे आपके जो डिस्प्यूट है जो आपस के जो आपके मामला रशिया से शुरू से ये कह रहा है कि हम आपको कुछ नहीं कहते सिर्फ आप हमें ये यकीन दहानी करा दें कि आप यूरोपियन जो मालिक हैं उसके कोई नाटो में शामिल ना हो और उनकी जो फौजें हैं वो हमारे बॉर्डर तक ना आए सिर्फ रशिया तो ये चाहता है यार इतना मुश्किल तो है ही नहीं है फैसला तो ये अगर कोई हल करना चाहे ना अगर कोई हल करना चाहे तो ये इतने में आसानी से हो सकता और मेरे ख्याल में इसके पीछे और इसकी रेख रे रुखसार भाई इनकी जंग शुरू होने से पूरी दुनिया में जो महंगाई आई है ना इस जंग की वजह से इस जंग बिल्कुल इसी जंग की अगर जो मजाल अमेरिका देने जा रहा है जो अमेरिका कुछ करने जा रहा है और उसकी वजह पता कितना सर दुनिया में होगा भाई दुनिया बहुत ज्यादा बुरे एक बार ये न्यूक्लियर पावर की जंग हो गई तो रशिया भी करेगा फिर दुनिया तो कुछ उगला ना करे खुदा ना दो तीन भी फिर वो पेशेंट कोई सच्ची हो जाएंगी जो हम सुनते आ रहे हैं पेशेंट कोई के बारे में एक आर्मी जंग के बारे में वो असल में सच हो जाएगी। ये मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ कि सबसे पहले तो ये अमेरिका का ये बिल्कुल भी हक नहीं हाँ वो सुपर पावर है अच्छा बड़ा मुल्क है उसको चाहिए था टेबल टॉक करवाता वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें आप अपनी इतमाद में लें कि आप हमारे जो यूरोपियन यूनियन ये नेटो की अफवाज है हमारे बॉर्डर तक ना आगे ना बस हम तो यही चाहते हैं लेकिन जो यूरोपियन यूनियन उन्होंने भाई यही इत्माद में रशिया को लिया ना भाई यूक्रेन को मदद उकसाने वाला कौन है वो अमेरिका ही है यूरोप है वो उन्होंने उकसाया आप हमारी तरफ आ जाए रशिया से दूर हो जाए ताकि वो रशिया का हिस्सा है यूक्रेन ज़ेलेंस्की जो उनका सदर है ना उन्होंने यही बयान दिया था कि हमने पहले हमने उठाया अमेरिका ने लेकिन अब जब हम जंग की तरफ जा चुके हैं तो अब हमारे पीछे कोई पैरवी नहीं कर रहा हमें कोई इमदाद नहीं दे रहा अब मेरे ख्याल में इमदाद भी मिल रही है हर लिहाज से और जो मेरे ख्याल में फाइटर्स भी दे रहे हैं सारे ये पोलैंड के रास्ते तो यूक्रेन के जो सदर है ना भाई उससे भी अकल के नाकू लेने चाहिए इस मुश्किल की घड़ी में सोचना चाहिए आप रशिया यूरोप में जाके क्या हासिल कर लेंगे आप इधर है अपना रशिया के हिस्सा है आप इधर रहते भी इतने खुशहाल है गेहूँ की सबसे बड़ी दुनिया में जो मंडी आपके यहाँ है आप खुशहाल बोलो कि आज टिकट कभी हमने आज टिकट देख रहे यूक्रेन में सारी दुनिया पढ़ने के लिए जाती है स्टडी करने के लिए आज टिकट मैंने कभी नहीं सुना कि यूक्रेन कभी भी नहीं है यूक्रेन यही बात की आप बैल मुझे मार लेकिन अपनी मुसीबत खुद ली है ठीक है वो इत्मीनान में लेते भी कितने आवाम को अपनी मरवा डाला है यूक्रेन ने अपनी कितने आवाम को मरवा डाला है लेकिन मेरे ख्याल में रशिया मुल्क बदर हो गए हैं रशिया को ये जंग पहले ये जीत चलनी चाहिए मुझे ये स्ट्रेटजी नहीं समझ आई रशिया की क्योंकि इतनी मेरा भाई मेरी बात ये पहले मसला कभी बन नहीं था इस हिसाब से पहले भाई जर्मनी ने जर्मनी अगर ना आता एक वक्त आया था जर्मनी ने ये काम रोका होता अगर वो उस वक्त चाहती तो आज ये मसला ही ना होता भाई जो रशिया है ना उस पूरी कुवत से हमला भी किया ही नहीं है हाँ वो ही ना मैं यही सोच रहा हूँ तो कुछ अमेरिका ने गलती की है अब ये रशिया पूरे जोर से ये कोशिश करेगा क्या अगर तो अमेरिका ने ये स्टेप ले लिया यूक्रेन के ऊपर और वो जो कुछ बता रहे प्रशांत सर तो भाई उसके बाद रशिया कभी भी पीछे नहीं हटेगा बहुत बुरे इसके हालात मैं बता तो रहा हूँ कि प्यूटिन का ये बयान है कि जब रशिया नहीं रहेगा तो हमें इस दुनिया का क्या फायदा मतलब उसका घर ही उजड़ जाएगा तो क्या करेगा वो दुनिया पर जारी बात है वो तमाम दुनिया को अपने निशाने पर रखे हुए और ये ड्रिल्स कर रहे हैं न्यूक्लियर ड्रिल्स हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे ये काम हो जाए अल्लाह करे ये जंग खत्म हो जाए किस तरीके से तरीके ये खत्म हो जाए तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़